मधुपुर उपचुनाव में तेजस्वी यादव के दो सभाओं के बाद हमारे साथ आरजेडी झारखंड के लीडर संजय यादव, जो कि गोड्डा से पूर्व विधायक रहे हैं और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद हैं। कुछ देर पहले एक सभा को संबोधित करके तेजस्वी यादव यहां से निकले हैं। तेजस्वी की सभा के बाद ये जो मधुपुर उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से धार्मिक गोलबंदी की कोशिश की जा रही थी, क्या अब वो नहीं हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक धार्मिक गोलबंदी, धार्मिक चीज़ जो है कोई बीजेपी के बाप का नहीं है, ये पूरे देश के हिंदू का धर्म है और यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब लोग मिल करके एक साथ रहते हैं, एक थाली में खाते हैं, इसलिए कि धर्म का राजनीतिक यहाँ चलने वाला नहीं है। चूँकि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, ये जो है इस पर विश्वास नहीं रखते हैं, अपने अपने धर्म का जो है सब लोग जो है पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और जो है आज जो भीड़ था, निश्चित रूप से ये कल ही हम बता चुके हैं कि तेजस्वी जी आएंगे, गोल जो है छक्का मार के यहाँ से जाएंगे और लाखों वोट से हमारा कैंडिडेट हिजबुल जी जीतेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। तो आज आप लोग संतुष्ट हो गए तेजस्वी की सभा के बाद पहले, और अब जो आज की सभा के बाद जो है उसमें अंतर अब देखने को मिलेगा? देखिए, हम लोग कहे कि देश के लीडर हैं आज हमारे राहुल गांधी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी, ये तीनों का तीनों नौजवान है और इस देश का मांग है नौजवान। नौजवान आएगा तभी विकास होगा, नहीं तो ये मोदी जी जो बिजनेस करने चले हैं, ये इतना बड़ा झूठा लोग, इससे देश का कल्याण नहीं हो सकता है। ये देश के गरीबों को मार देगा, भूखे मार देगा, इसके पास कोई विजन नहीं है, कहीं कोई नीति सिद्धांत नहीं है। आप देख रहे हैं कि पूरे जो हमारे मनमोहन सिंह जी ने, हमारे इंदिरा गांधी जी ने और महागठबंधन ने जो सजा के रखा था पूरा, वो सारे चीज़ों को जो है इन लोगों ने नीलामी की ओर फेंक दिया, ठेकेदारी पे ये देश चला गया बिजनेसमैन के हाथों में, अडानी और अंबानी के हाथों में। कृषि मंत्री खुद मौजूद हैं। मंत्री जी, झारखंड सरकार चुनाव लड़ रही है, यहाँ पर सरकार के मुखिया भी यहीं पर हैं, अब जबकि तेजस्वी यादव को भी यहाँ पर आना पड़ा, क्या लगता है कि सरकार ये जो 1.5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो अपने कामकाज को गिना करके वोट लेने में सक्षम नहीं थी, इसलिए बाहरी नेताओं को भी जो है एक तरीके से बाहरी तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव को बुलाना पड़ा एक उपचुनाव? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये इलाका तेजस्वी यादव जी का प्रभाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रभाव है, और जहाँ गठबंधन की सरकार यहाँ चुनाव लड़ी है, गठबंधन की सरकार पर बरदहस्त उनका है, तो क्यों ना अपने नेता अपने लोगों के बीच फिनिशिंग टच देने के लिए आए। उन्होंने यहाँ आके लोगों को ऊर्जा दिया, सम्मान दिया, हाजी साहब से उनका एक व्यक्तिगत लगाव था, सदा सम्मान करते थे, हाजी साहब और आदरणीय लालू जी में व्यक्तिगत रिश्ते थे। अब जब हाजी साहब नहीं रहे, उनके पुत्र ने तेजस्वी बाबू को चाहा कि आप हमारी सभा में आएँ, तो तेजस्वी सर अपने आप को रोक नहीं पाए, तमाम व्यस्तताओं के बावजूद वो यहाँ पर आए और दो सभाएँ जो हुई वो निश्चित रूप से इस मधुपुर की जनता जो चाहती है कि हम विकास करें, हम इस बार हफीजी जी को मंत्री के रूप में देखना चाहते थे लेकिन हेमंत जी ने पहले ही मंत्री बना दिया, अब जनता ने भी आज से मन बना लिया कि हम उनके पक्ष में मतदान करेंगे और मधुपुर की जनता हेमंत सोरेन की विश्वास को टूटने नहीं देगी, यह नज़ारा आज देखने को मिला। तो दो जो आज सभा हुआ तेजस्वी की, एक बुढ़ई में और एक अभी पथरौल में समाप्त हुई है, आपके बगल में ही बैठते हैं विधानसभा के अंदर हफीजुल जी, आपको ये लग रहा है कि जो तेजस्वी के प्रति जो आकर्षण है लोगों में वो वोट में तब्दील होगी और 2 मई के बाद भी आपका साथ बना रहेगा? तेजस्वी जी ने निश्चित सब लोगों से हाथ उठवा के ही हफीजुल जी को माला पहनवाया, पहले उन्होंने जनता से कहा, उनको हाथ उठवाया कि आप इन्हें समर्थन देते हैं तो हम इन्हें माला पहनाएंगे, सभी जनता ने दोनों हाथ उठा दिए और तब तेजस्वी बाबू ने हफीजुल जी को माला पहनाया और ये रिश्ता अटूट है। लोग तेजस्वी बाबू बिहार में आप देखे होंगे, जनता ने उन्हें चुनाव जिताया था, हालांकि पेचीदगियों ने, षड्यंत्र ने उन्हें सत्ता से दूर रखा, भले पद नहीं मिला लेकिन आज कद वहां के मुख्यमंत्री से बड़ा हो गया तेजस्वी बाबू का, तो वो चीज़ यहां भी देखने को मिला। और जमीन के नेता हैं और जब उनका सेनापति लोग उनके मैदान में हैं तो बूस्टर देने का काम करने आ गए, मुहर लगा के चले गए। आप सुन रहे थे संजय यादव और बादल पत्रलेख को, जो यह कह रहे थे कि हफीजुल हसन महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, ऐसे में महागठबंधन की सरकार होने के बाद तेजस्वी यादव की एक भूमिका तो होती ही है। followup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in